हेलो फेलो स्पार्टन, क्या आप किसी हाउस पार्टी के ऊपर जा रहे हैं? तो ये जानिएगा कि हाउस पार्टी के हर टेबल के अपने कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब कुछ नियम जो हर प्लेयर या सेट ऑफ प्लेयर्स आपस में डिसाइड करते हैं जब वो अपनी गेम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी दिवाली पार्टी पे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपको ये हाउस रूल्स पता हो, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ फाइट ना करें आखिरी में। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे हाउस रूल्स पता रह सकें। हेलो दोस्तों, मैं हूं गणेश अग्रवाल, आपका फेलो स्पार्टन दोस्त। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जाना था कि कार्ड्स की हायरार्की क्या होती है, कि सबसे बड़े कार्ड से लेकर सबसे छोटे कार्ड की हायरार्की कौन सी है तीन पत्ती के अंदर। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक उसका आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आज हम इसे थोड़ा सा एक नॉच आगे बढ़ाते हैं, कुछ और नया सीखते हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी भी पार्टी में जब आप जा रहे हैं तो कौन से हाउस रूल्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और आपको अपने आप ये रूल्स पूछने हैं किसी भी टेबल पे जब आप बैठने वाले हों। उससे पहले आपको मैं ये कूल स्पार्टन कार्ड स्पॉक दिखाना चाहता हूँ, जो कि कैसीनो स्पार्टन की तरफ से आज एक फ्री गिव अवे की तरह आपको मिलेगा। आपको कमेंट्स के अंदर कैसीनो स्पार्टन हैशटैग डालना है और पेज की वीडियो को लाइक करना है, पेज को लाइक करना है और वीडियो को लाइक करना है। ये कैसीनो स्पार्टन बॉक्स जो है, इसके अंदर हमारा इस तरह से ये कार्ड्स के डिज़ाइन है जो आपको अभी हम दिखाएंगे और हमारे बारे में है। और ये कूल स्पार्टन कार्ड्स बॉक्स इस तरीके का है, जिसके अंदर आपको एक स्ट्रैटेजी कार्ड मिलेगा, जिसके अंदर आपके सारी हायरार्की होगी, हाउस रूल्स लिखे होंगे और आपको अलग तरीके की वेरिएशन भी लिखी होंगी, ताकि आप जब भी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाएं आप वेरिएशन बता सकें या भूले नहीं। और इसके साथ आपको ये मिलेगा कूल स्पार्टन कार्ड डेक बॉक्स। ये हमारे सारे के सारे इसके अंदर कार्ड डेक्स हैं और ये एक बहुत ही अच्छे हमने टेक्सटेड पेपर पे करवाए हैं। ये आपके लिए फ्री गिव अवे है कैसीनो स्पार्टन के लिए आज के लिए। चलिए वापस आते हैं सीखने के ऊपर। सो अब हाउस रूल्स के बारे में जानते हैं। रूल नंबर वन, सबसे पहला रूल है मैक्सिमम लिमिट ऑफ बेट या फिर चाल। इसमें आपको ये समझना है कि जब भी आप किसी दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, आप पहले से जान लें कि मैक्सिमम बेट या चाल क्या है जो वो प्लेयर्स आपस में खेलना चाहते हैं। इससे आपको ये हो जाएगा कि कोई अनलिमिटेड बेट तो नहीं है, या आप अपनी पॉकेट के हिसाब से ही उसके अंदर बैठ सकें या उन लोगों के साथ बैठ सकें, क्योंकि हो सकता है अनलिमिटेड बेट हो और हो सकता है हज़ारों लाखों की चाल हो, तो वो आपके लिए ख़राब रहेगा। आप एक या दो गेम खेलेंगे और फिर आप उठ जाएंगे। सो ये ज़रूर जान के रखिएगा। रूल नंबर टू है राउंड ऑफ ब्लाइंड्स। इसका मतलब है कि आपके प्लेयर्स जो खेलना चाह रहे हैं वो ब्लाइंड कितनी खेलना चाह रहे हैं, और एक राउंड ऑफ ब्लाइंड खेलेंगे या सारे पर्संस दो राउंड ऑफ ब्लाइंड खेलेंगे। ये एक सिंपल रूल है जो आप आपस में डिसाइड कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड नहीं खेली जा रही है और पर्संस और जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपस में अच्छे से आराम से खेल सकें। रूल नंबर तीन, काउंटर। आपको ये समझना होगा काउंटर बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं भी पता होता, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। पर काउंटर के बारे में ये ज़रूर जान लीजिए कि काउंटर तब चला जाता है जब कोई एक प्लेयर आपसे पहले चाल खेल चुका है और आप ब्लाइंड पे रहना चाहते हैं। जब कोई एक पर्सन आपसे पहले चाल खेल चुका है, मान लीजिए उसने 200 रुपए की चाल चली या 600 रुपए की चाल चली या लेट्स टेक एग्जांपल 500 रुपए की चाल चली, तो आपको ब्लाइंड पे रहने के लिए 500 रुपए का काउंटर मारना पड़ेगा। जब आप 500 रुपए का काउंटर डालेंगे तो उसके बाद जब आपका अगला प्लेयर काउंटर वो भी अगर करना चाहता है तो वो भी 500 रुपए का करेगा। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अगला प्लेयर चाल चलेगा वो तीन गुना काउंटर की तीन गुना अमाउंट डालेगा, जो कि होगी 1500 रुपये।
इससे स्टेक्स हाई हो जाते हैं और ज़्यादातर प्लेयर जो नहीं खेलना चाहते या नहीं खेल सकते या जिनके पत्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं वो लोग पैक कर जाते हैं। इसलिए ये बहुत स्ट्रैटेजिक है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बना सकते हैं जो कि आप अपने कमेंट्स डालिए कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको इस रूल के ऊपर और जानना है। काउंटर के बारे में एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है आपको कि काउंटर या तो सिर्फ होगा ही नहीं आपकी गेम के अंदर एज अ हाउस रूल, या फिर सिर्फ एक पर्सन काउंटर कर सकता है, या काउंटर और अगला पर्सन काउंटर पास कर सकता है, या पूरा एक राउंड ऑफ काउंटर होगा। इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, कैसे आप इसे स्ट्रैटेजिकली प्ले कर सकते हैं, ये हम अगली वीडियो एक अलग वीडियो में देखेंगे। रूल नंबर 4, सैल्यूट। वेल, ये आर्मी वाला सैल्यूट नहीं है। सैल्यूट का मतलब है, या फिर नॉर्मल हिंदी भाषा में इसे बोलते हैं सलामी। सलामी एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए जब आप प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो। सलामी का मतलब ये होता है कि अगर किसी प्लेयर की ट्रेल आ जाए 3 पत्तों की गेम के अंदर, तो क्या सारे प्लेयर्स उसे एक अमाउंट देंगे कि नहीं देंगे। सलामी के अंदर ये होता है कि अगर आपकी दुग्गी से लेके 10 तक की ट्रेल आ जाती है किसी की, तो आपको एक एक्स अमाउंट दी जाती है, और अगर आपकी गुल्ला बेगी बादशाह की ट्रेल आती है तो आपको 2x अमाउंट दी जाती है, और अगर आपकी मान लीजिए इक्की की ट्रेल आ जाती है तो आपको 3x या 4x अमाउंट दी जा सकती है। इसके अंदर बहुत ज़रूरी है 2 चीज़ जानना। एक, आपको ये क्लैरिफाई ज़रूर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के बीच में कि मान लीजिए आप कोई वेरिएशन खेल रहे हैं जिसके अंदर गेम 3 पत्तों की है पर वेरिएशन है, और आपके पास डेल्ट हैंड के अंदर एक ट्रेल आ जाती है, तो क्या वो वेरिएशन में किसी पत्ते को जोकर बनाए बिना जब आपकी ट्रेल आ रही है तो वो सलामी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में ज़रूर पूछिएगा, और अगर नहीं माना जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर सलामी तब मानी जाती है जब आप एक नॉर्मल गेम खेल रहे हो 3 पत्तों की ऑब्वियसली। रूल नंबर 5, 5वां रूल है कि शो गोज डाउन या नहीं। इसके अंदर आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप 2 या 3 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ खेल रहे हैं, तो अगर 2 लोग जिन्होंने आपस में शो लिया है, अगर उनके पत्ते बराबर के हुए, तो जो पर्सन ने शो लिया है वो पैक करेगा या नहीं। ये इम्पॉर्टेंट रूल इसलिए भी है क्योंकि कुछ वेरिएशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर जोकर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि AK-47 या 1942 लव स्टोरी, इसके अंदर बहुत ज़्यादातर 2 लोगों के पत्ते एक जैसे भी हो सकते हैं, ट्रेल्स आती हैं इसमें ज़्यादातर। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए किसी ने बैक शो लिया है या किसी आखिरी 2 प्लेयर ने आपस में शो लिया है, तो जिसके पत्ते, अगर उन दोनों के पत्ते सेम हैं, तो जिसने शो लिया है वो पर्सन पैक करेगा। इसके अंदर आपको ये ज़रूरी है और जानना, क्योंकि बहुत बार होता है कि आखिरी में 2 पत्ते 2 लोग जिनका इक्के की ट्रेल हो शायद, वो आपस में चाल डालते रहते हैं, पर इसके अंदर ये समझने की ज़रूरत है कि अगर चाल पे चाल आई जा रही है तो ऑब्वियसली उन लोगों को पता होगा कि उनके पत्ते बहुत स्ट्रांग है या उनके पास इक्के की ट्रेल है। ऐसे केस के अंदर ये डिसाइड किया जाता है, या तो जिसका हाथ बड़ा होगा, या मतलब जिसके पत्ते ज़्यादा बड़े हैं वो जीतेगा, और अगर दोनों के पत्ते एक जैसे हैं तो पॉट को स्प्लिट कर दिया जाएगा, दोनों को आधा आधा बांट दिया जाएगा। रूल नंबर 6, विच इज़ द हाइएस्ट सीक्वेंस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है और मुझे नहीं समझ में आता, बट कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे मैं भी खेलने गया हूँ अपने दोस्तों के साथ कभी कभार फ्लैश या 3 पत्ती, तो वहाँ पे जो सबसे घटिया पत्ते होते हैं जो कि 2, 3 और 5, इन सीक्वेंस, इसको सबसे हाईएस्ट सीक्वेंस माना जाता है। इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से ऐसा नहीं होता, ना ही 3 पत्ती के हिसाब से ऐसा होता है, बट अगर टेबल डिसाइड कर रही है कि 2, 3 और 5 सबसे हाईएस्ट सीक्वेंस हैं, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे सीक्वेंस के अंदर सबसे हाईएस्ट सीक्वेंस, जैसे हम जान चुके हैं पहले भी हायरार्की ऑफ वीडियोस के अंदर, उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, कि बेगी बादशाह 1 का सबसे हाईएस्ट सीक्वेंस होती है, फिर 1, 2, 3
और उसके बाद 2, 3, 5 कोई सीक्वेंस ही नहीं होती है। पर अगर 2, 3, 5 सबसे बड़ी सीक्वेंस है आपके दोस्तों के हिसाब से तो आपको जानना ज़रूरी है। सो अभी तक इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे रूल्स सीखे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपने कुछ इस वीडियो से समझा है, जाना है और आपकी नॉलेज बढ़ी है, तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और हमें सब्सक्राइब या फॉलो करें। सो लास्ट में एक बार जल्दी से जान लेते हैं कि हमने क्या क्या रूल देखे। रूल नंबर 1, मैक्सिमम चाल और लिमिट। रूल नंबर 2, राउंड ऑफ ब्लाइंड्स। रूल नंबर 3, काउंटर है कि नहीं है और कब तक है, राउंड ऑफ काउंटर का पूरा राउंड है या कैसे है। रूल नंबर 4, साल्यूट या सलामी, वो है और कितनी अमाउंट दी जाएगी हर ट्रेल के ऊपर। रूल नंबर 5, शो गोज डाउन है या नहीं और क्या रूल्स हैं उसके। और रूल नंबर 6, कि आपकी सीक्वेंस सबसे हाईएस्ट कौन सी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम वेरिएशंस के बारे में जानेंगे, अलग अलग वेरिएशन किस किस टाइप की होंगी। जी भूलिएगा मत कि इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्री गिव अवे दे रहे हैं, जिसका रिजल्ट हम शायद अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। सो आपको ये कैसीनो स्पार्टन का कूल बॉक्स जीतने का मौका मिल सकता है। कंडीशन क्या है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के अंदर #casinospartan डालिएगा। जो भी लोग ये डालेंगे उसके अंदर हम रैंडमली चूज करेंगे और उनको ये घर पे भेजेंगे और उन्हें कॉन्टैक्ट करके उनसे बात करेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम वेरिएशन के बारे में जानेंगे।